बड़वानी समय से पहले ही इस वर्ष नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी, जिसको लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया गया है और बड़वानी राजघाट को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार नर्मदा खतरे के निशान से ऊपर है और इस समय नर्मदा का पानी पुरानी छोटी पुलिया से लगकर बहने लगा है। चूंकि पुलिया जर्जर स्थिति में है, जिसको लेकर प्रशासन ने मार्ग प्रतिबंधित कर दिया है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार प्री मानसून को लेकर भी प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। एसपी के अनुसार अतिवृष्टि को लेकर प्रतिवर्ष शासन के आपदा प्रबंधन को लेकर अलर्ट को लेकर निर्देश रहते हैं। इस बार भी शासन द्वारा निर्देशित किया जा चुका है, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन द्वारा संपूर्ण तैयारियां कर ली गई है। बड़वानी से अतुल कुमाऊत की रिपोर्ट। सर, राजघाट में मार्ग प्रतिबंधित किया। नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर बांध स्थापित है, पिछले वर्ष जो 138-138 तक जो फुल डैम भरा गया था और अभी उसका जो लेवल है राजघाट का वह 127 हो चुका है और 127 होने की वजह से जो नर्मदा नदी का पर जो हमारा राजघाट का जो छोटा पुल है वो डूबने की स्थिति में आ गया है। इस कारण से राजघाट पर जो आवागमन है वो प्रतिबंधित किया गया है। सर, मानसून को लेकर भी मानसून को लेकर के शासन के द्वारा प्रतिमाह जून में अलर्ट जारी किया जाता है और अतिवृष्टि की स्थिति में आपदा प्रबंधन की जो है आवश्यक तैयारी करने के निर्देश रहते हैं और जैसे निर्देश शासन की ओर दिए गए हैं उसी अनुरूप जो है जिला प्रशासन के द्वारा मानसून के प्री मानसून के पूर्व जो है आवश्यक तैयारियां आपदा प्रबंधन की कर ली गई है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।